मैं उनकी बड़ी बहन समर निशा हूँ। मेरी बहन के साथ मैं बहुत नहीं रोज पी के लड़ते थे, रात में भी लड़े। ऐसी चुनो लड़े तो हम अम्मी के घर को आ गए, मेरे वालदा के पास आ गए। आ गए तो सुबह में आके उन्होंने घर में घुस के, अम्मी के घर में घुस के उन्होंने बकरे को काटे, सगा काट दिए। घर में कोई नहीं था, मर्द बच्चा कोई भी नहीं था। देख के आके बच्चे को करे, फिर हमारे अम्मी को भी मारे उन्होंने, अम्मी को भी मार लगा, मोंडे पे चाकू लग गई। फिर उनके खुद की बेटी भी बीच में आई तो उंगलियां काट दिए उन्होंने। बहुत जलील है आदमी, वो आदमी का बहुत जलील हरकत है। मेरी यही दरख्वास्त है कि हुकूमत से वो आदमी को भी वैसी सजा होना जो मेरी बहन के संगत करा है। उन्हें बच्चे है उसको, छोटे छोटे तीन बच्चे है। झगड़े की वजह पी बट है आदमी, हमारे नहीं मालूम था करे से वक्त पी के ऐसा लड़ा आदमी, वो रोज लड़ता था दिन रात लड़ना। तो उन्हें बेजार होके आ गए थे यहाँ पे। कहाँ के रहने वाले? वो आदमी कोहिर का है, कोहिर को दिए थे हम लोग। शादी होके 20 साल हो रहा है उनके। उनके घर वाले भी ऐसी लड़ाया धूम धूम के लड़ाया, लड़े तो उन्हें गाँव छोड़ दे के यहाँ पे आ गए थे। उन्होंने यहाँ रही थी मैं सुझे नहीं करे हम लोग। शोहर बीवी की लड़ाई है, लड़ते खामोश बैठते बोलते, उन्हें पीने में पड़ गए। उन्हें लारियां चलाने वाले है पी के। ये आज 1:30 बजे हुआ ये वाक्य, आज के दिन 1:30 बजे हुआ। कल रात में हमारी बहन यहाँ आ गए थे तो आज 1:30 बजे आके उन्हें घर में घुस के हमारी बहन को, अम्मी को भी ढकल दे के हमें मार के गए। कोई जेंट्स नहीं था घर में। चंद्रानगुट्टा इलाके में खास तौर पे ये चंद्रानगुट्टा चौराहा, जीशान होटल और भी इलाके हैं जहां पर जो है कुछ अशरार शरपसंद जो है इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिस पर पुलिस को चाहिए कि जो है आप उस पर नजर रखें। और ऐसे शरीर हजरात पर जो शरारत कर रहे हैं उन अशरात पर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करें। इन इलाकों में आए दिन सुनने में आ रहा है कि जो है मुख्तलिफ किस्म के नशा करते हुए और उसका खरीद फरोख भी चल रही है। जैसा जैसा हमको इत्तला मिली हम दबोच कर उनको जो है पुलिस के हवाले कर रहे हैं। लेकिन पुलिस से हमारी गुजारिश है कि आप अपने तौर पर जो है ये एक्टिविटीज पर कड़ी नजर रखें और जो भी किस्म के नशे वाले नशे की जो अशिया खरीद फरोख कर रही है जो कर रहा है उस पर नजर रखें। और जो नौजवान उसमें तबाह हो रहे हैं उसकी तदारीक के लिए जो है पुलिस की जिम्मेदारी है कि इस पर जो है सख्त नोट लेते हुए फौरी तौर पर इसकी रोकथाम के लिए कुछ काम करे। आज का भी जो वाकया है सुनने में यह आया, रफीक साहब और उनके जो मरहुमा के घर वाले कह रहे थे वो हालत नशे में था, तो लिहाजा हमारी पुलिस महकमे से गुजारिश है कि ये नशे की जो लानत नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रही है, खास तौर पे ये एरिया में जो एक्टिविटीज हो रहे हैं, खुदारा आप इस पर जो है रोकथाम के लिए इकदाम करें। शुक्रिया।